न्यूज लाइव। अब तक की प्रमुख खबरें 21 जून 2019। कुल्लू हादसा, 44 पहुंची मृतकों की संख्या, पहली बार चला रहा था बस, 9 सी किया ड्राइवर। कुल्लू में गुरुवार को हुए बस हादसे के बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस बस में हादसे के बाद 44 लोगों की मौत हो गई है और करीब 31 लोग गंभीर रूप से घायल है, और वो बस एक नौसिखिया ड्राइवर चला रहा था। आज एक बार फिर संसद में पेश किया जाएगा 3 तलाक बिल। 7वीं लोकसभा का पहला कार्यकाल सोमवार को शुरू हो चुका है। शुक्रवार को लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद 3 तलाक बिल पेश करेंगे। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बिल है जो संसद पर पेश किया जाएगा। AN-32 विमान हादसा, रक्षा मंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। 8 क्रू मेंबर समेत 13 यात्री की मौत हो गई थी। गुरुवार देर रात को सभी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। शुक्रवार को सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के कलिंदी कुंज स्टेशन के पास फर्नीचर मार्केट में लगी आग, रोकी गई मेट्रो। कलिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास फर्नीचर मार्केट सुबह तड़के करीब 5:30 बजे अचानक से आग लग गई। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग के कारण मेट्रो का संचालन प्रभावित है। मेट्रो पर दमकल विभाग की 17 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।